अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस वक्त बहुत खूबसूरत सा वेदर यहाँ का और बहुत मज़े का यहाँ का। इस वक्त कहते हैं ठंडी ठंडी शाम हो रही है और रात होने वाली है अब तो, बल्कि थोड़ी देर बाद। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको पीछे का व्यू दिखाऊं और बहुत खूबसूरत सी जगह दिखाऊं, लोग चहलकदमी करते हुए घूमते फिरते हुए, तो अच्छा लग रहा है और साथ साथ मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे हल्की हल्की ठंड, मज़े का मौसम बहुत 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 अच्छा लगता है। और इस वक्त दिल खुश हो जाता है जब आपको चीज़ें अच्छी अच्छी नज़र आ रही हों। तो बस इस वक्त मुझे माहौल अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे लग रहे हैं और सबसे बढ़कर ये है कि इस वक्त कराची में वेदर बहुत बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। 3-4 दिन से बारिश के बाद और उससे पहले भी यहाँ कराची में ठंड थी तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस ये आपको मैंने दिखा रहा था कि देखें कितने मज़े की अंकिल जी थे, इतने प्यारे से लग रहे थे, देखते हुए हंसते हुए जा रहे थे। अच्छा एक बार बताऊँ, आप थोड़ी कोशिश क्या करें दूसरों को देख के स्माइल पास करें। जब आप दूसरों को देख के स्माइल पास करेंगे ना, आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो वैसे ही कम हो जाएगी, वैसे ही आपको अच्छा लगेगा कि यार सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। मेरा तो यही फार्मूला है कि जब हम किसी को मिलते हैं या देखते हैं तो फौरन थोड़े से दांत खोल लेते हैं, और दांत इसलिए खोल लेते हैं कि ताकि उसको अच्छा फील हो। हाँ, अगर आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा तो बिल्कुल आप बेशक अकड़ जाएं, लेकिन कोशिश करें, हाँ हाँ मज़े की हवा, कोशिश करें कि आपको रिस्पांस पहले अच्छा ही आप दें ताकि दूसरा आपसे बात करने में डरे नहीं और आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो खैर चले, ये वेदर यहाँ का जो मैंने आपको दिखाना था, खूब मज़े की हवाएं। और हाँ, मैंने आपसे ये कहना है कि मेरी बर्थडे का मंथ शुरू हो गया है, 8 फरवरी को मेरी बर्थडे है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों से बहुत सारी दुआएं लेना। वक्त के साथ साथ हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन वही बात है कि हर साल ये वक्त आता है और जाता है, तो बस दिनों में एक मोहब्बत की तरह रहना चाहती हूँ जब तक ज़िंदा हूँ, और मरने के बाद भी चाहती हूँ कि लोग याद रखें। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे दुआ में याद रखिएगा, और 8 तारीख को मेरी बर्थडे है, तो बस विश कर दीजिएगा, यही मेरे लिए कहते हैं बहुत बड़ा गिफ्ट होगा आपकी तरफ से, और बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू सो मच।